हेलो एवरीवन, यूनिक डिजिटल कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये जो क्लास है कॉमर्स बैकग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक यूजफुल क्लास है। कोई भी स्टूडेंट चाहे एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, चाहे वो बीकॉम एमकॉम एमबीए एमकॉम कर रहा हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी यूजफुल है। चाहे कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की कोई भी रिलेटेड जॉब हो, उन सभी के लिए एक यूजफुल है आपका ये क्लास रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, उनका कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है। तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बनाई जाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई जाती है, वो कुछ प्री डिसाइडेड प्रिंसिपल पे सेट होती है। उन सभी प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस पे बनती है, वो कुछ प्री डिटरमाइंड अजम्पशंस के बेसिस पे बनती है। तो जितनी भी अजम्पशंस होती हैं उनको बोला जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? एज पर दिस कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पार्टीज। ये कहती है कंसेप्ट कि जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो जिस ओनर ने उसको सेट किया है वो दो डिफरेंट पार्टीज होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि जो उसका ओनर है और जो उसके वो कंपनी जो बनी है, दोनों क्या होंगे, आपके इंडिपेंडेंट पार्टी होंगे। कंपनी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर, दोनों से मतलब वो क्या होगी, अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स कंपनी है, एक एक्स ने क्या किया, एक एक्स लिमिटेड कंपनी बनाई, एस्टेब्लिश की। अब एज पर दिस कंसेप्ट एक्स लिमिटेड एक्स से आपके अलग होगी, दोनों के बीच में कॉर्पोरेट वेल होगी। एक्स लिमिटेड अपने नाम से कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकती है, लोन ले सकती है, बैंक में अकाउंट ओपन करा सकती है, किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो ये थी आपकी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपकी जो कंसेप्ट है वो आपकी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहती है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मान लो 1000 केजी का आपने कोई गुड्स परचेज किया, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि 1000 जो केजी उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी वैल्यू क्या, अमाउंट में कितनी वैल्यू है, हम उस चीज़ को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम कोई भी ऐसे जो आपकी क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव वैल्यू है, हम उसको बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर को एक मीटिंग में आना था, कोई डील आपको मीटिंग में आना था, और वो क्या हुआ कि एट द टाइम उसको कोई बीमारी हो गई, वो नहीं आ पाया। अब इस चीज़ को कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब उससे क्या हुआ कि उस मीटिंग में ना आने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गई और कंपनी को लॉस हो गया। अब उस लॉस को तो रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसका मीटिंग में ना आना, इन चीज़ों को कोई भी इसकी कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती। इसी तरीके से आपकी ऑनेस्टी हो गई, सिंसियरिटी हो गई, लॉयल्टी हो गई, इन सब चीज़ों को भी आप रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसे क्या कहती है, सिंपल कंसेप्ट कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो ये आपकी जो कंसेप्ट है ये कहती है कि हम अब जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बिजनेस आपका इंडेफिनिट पीरियड तक आपका चलता रहेगा, अनलिमिटेड लाइफ होती है, इस बेसिस पे आपका रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि ये नहीं है कि बिजनेस का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ऐसे नहीं है, एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, कि जब जितने भी कंपनी के अकाउंट है वो 12 महीने के लिए आपका प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मंथ के लिए प्रिपेयर होती है, तो वो कौन सा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर है आपका। इस मतलब ये कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपका लॉस हुआ, कितनी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो इसी के बेसिस पे आपकी होती है कि सभी कंपनियों की एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट या आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम सभी एसेट्स को, लायबिलिटीज को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। ये कंसेप्ट क्या कहती है,
आपकी जितनी भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उनकी जिस जिस कोर्स पर उसको आपने एक्वायर किया है ना, उस कोर्स पर ही आपने क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू में। हाँ ये ठीक है कि हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाएंगे, बात ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा मार्केट वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक एसेट्स है, उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो तो है 1,00,000 रुपये, लेकिन वो आपने परचेज की थी 2012 में, उस वक्त आपने परचेज की तो वो मात्र आपने 10,000 में परचेज की, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा 10,000 पे, ना कि आपका 1,00,000 रुपीज पे। तो ये था आपका अकाउंटिंग कोर्स कंसेप्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वन ट्रांजेक्शन, उसके दो जगह इफेक्ट पड़ेगा दो अकाउंट पर, एक अकाउंट आपका डेबिट होगा, दूसरा आपका क्रेडिट होगा। मतलब ये क्या कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कि एक आपकी ट्रांजेक्शन जो होती है वो आपकी दो अकाउंट पे इफेक्ट डालेगी, फर्स्ट आपका डेबिट होगा तो दूसरा आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक, कि जब भी कंपनी को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना या कंपनी को अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, तो उसको अपने टोटल रिवेन्यू को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ मैच करना चाहिए। जो भी डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल रिवेन्यू को टोटल एक्सपेंडिचर से मैच करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये देखो ये कंसेप्ट क्या कहती है, वेरी मच इंपॉर्टेंट आपकी कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ये है कि आपकी कोई भी रिवेन्यू, कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन, कोई भी सेल आपकी कब रिवेन्यू मान ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक ऑप्शन है कि आपको किसी भी किसी एक प्रोडक्ट की सेल करने का ऑर्डर रिसीव किया, फर्स्ट स्टेज आपके पास आया कि आपके पास ऑर्डर आया, क्या उसको रिवेन्यू मान ले, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आपके पास ऑर्डर आया है, कन्फर्म कुछ नहीं हुआ है। अब दूसरा क्या किया, दूसरी स्टेज पे आपने ऑर्डर को रिसीव कर लिया, देन आपने क्या किया, ऑर्डर की प्रोसेसिंग कर दी और उसको आपने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है। तीसरे केसेस में क्या हुआ, आपने ऑर्डर आ गया था, उसकी प्रोसेसिंग कर दी, डिलीवरी कर दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया, थर्ड केसेस में उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फोर्थ केसेस में अब उसने इन्हीं के आगे आपको उसको पेमेंट कर दी। तो देखिए आपका जो एज पर द रियलाइजेशन कंसेप्ट कि जब किसी कोई भी आपने सर्विस कोई भी काम कर दिया हो, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया हो, पेमेंट की गारंटी दे, पेमेंट की का कह दिया कि वो पेमेंट दे देगा, तो आपका रिवेन्यू हो जाएगा। मतलब आपके यहाँ पर सी पॉइंट पर कि जब कंपनी को आपका ऑर्डर मिल गया था, ऑर्डर की डिलीवरी कर दी, अगले ने पेमेंट की गारंटी दे दी, तो वो क्या हो जाएगी, कंपनी का रियलाइजेशन कंसेप्ट कि वो आपकी कंपनी की सेल मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आया अकरल कंसेप्ट। अकरल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ने दो बेसिस होते हैं आपके रिकॉर्ड करने के, एक तो बेस होता है आपका कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि जब आपको पैसा मिल जाएगा ना तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब लास्ट अपने एग्जांपल में देखा था कि जब अगले ने पेमेंट की गारंटी दे दी है, पेमेंट की आपके एक्सेप्टेंस दे दी है, तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं अकरल कंसेप्ट कि जब कोई चीज़ आपने अर्न कर ली है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अकरल बेसिस पे क्या होता है, जब आपने पैसा कमा लिया हो उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। कैश बेसिस जब आपने रिसीव कर लिया हो तब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया आपका देखो ये जो आपकी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट थी जो आपने अभी पढ़ी, कौन कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट थी आपकी, आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा, ये कुछ पढ़ी आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें आपने ये पढ़ा कि दो कंपनी और जो कंपनी का मालिक है ओनर, वो दोनों डिफरेंट पार्टी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने ये कहा कि हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो आपकी मनी में कन्वर्ट हो सकती हो। गोइंग कंसर्न बिजनेस आपका लंबे समय तक चलता रहेगा, ये आपकी वो आपकी कंसेप्ट थी। अकाउंटिंग पीरियड की सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, हम सिर्फ जो रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक अकाउंट दो जगह इफेक्ट डालता है, एक डेबिट होता है दूसरा आपका क्रेडिट होता है। मैचिंग कंसेप्ट में क्या है कि हमको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टोटल रिवेन्यू को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ मैच करेंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहती है कि हमारी कोई भी वैल्यू कब, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन की जो सेल है कब आपका रिवेन्यू मानी जाएगी। और एक बेसिस में आपने ये पढ़ा कि आपका रिकॉर्ड किस बेसिस पे करना है, अपनी जो आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन दो होते हैं, कैश बेसिस और आपका दूसरा अकरल बेसिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन।
अब ये देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है भाई। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है जो आपकी एक हिंदी में मीनिंग होता है परंपरा है, जो आपके लंबे समय तक आपकी चलती आ रही है, आपको उसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। इसमें आपकी चार है भी आपकी, एक तो आपका कंसिस्टेंसी आपकी है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। जो आपका ये प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी का, ये क्या कहता है भाई आपको, ये कहता है, ये आपको ये कहता है कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कि आपको कोई भी अकाउंटिंग, जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग मेथड है, वो आपको लंबे समय तक अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो आप डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि इसको इस साल आपने स्ट्रेट लाइन कर लिया, अगले साल आप उसको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड चेंज कर देंगे। आपको लंबे समय तक आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को आपको अडॉप्ट करना है। कंसिस्टेंसी मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है, वो आपको लंबे समय तक उसी तरीके का पूरा अडॉप्ट करनी है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहती है, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को आपको बिजनेस में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी के बेसिस पे आपको कंटिजेंट लाइबिलिटी को फुटनोट में दिखाते हो आप, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस शुड बी शोन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसी के बेसिस पे आप अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी को दिखाते हो। एक आती है आपकी मैटेरियलिटी। अब ये देखो फुल डिस्क्लोजर और मैटेरियलिटी दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। इसने तो कहा कि हर एक इन्फॉर्मेशन को दिखाओ, ये कहता है जो आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डिसीजन मेकिंग में आपकी यूजफुल है, आप उनको दिखाइए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को दिखाओ जो आपके एक दो मतलब आपकी बिजनेस में आपकी हेल्प आपको हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में। लास्ट वन इज दी कंजर्वेटिज्म, ये आपकी क्या है, इसको बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब विवेक, और इसको बोलते हैं रेशनलिटी। रेशनलिटी देखो क्यों बोला गया, ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को आज का लॉस मान के आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरी चीज, जब आपकी इनकम को तब आप हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में आपको रियलाइज हो जाए। तो जो आपकी कंजर्वेटिज्म है वो क्या कहती है कि फ्यूचर लॉसेस को आज का लॉस मानो और उसको रिकॉर्ड कर दो, जबकि आपको फ्यूचर इनकम को तब रिकॉर्ड करना है जब वो आपकी एक्चुअल में रियलाइज हो जाए। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट वन दी कंसिस्टेंसी कि आप क्या कर रहे हो कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी को आप लंबे समय तक अडॉप्ट करोगे। दूसरा था फुल डिस्क्लोजर कि हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको मतलब अपने बिजनेस में शोन करना, इसी के बेसिस पे आपने कंटिजेंट लायबिलिटी को दिखाया जाता है। आपका मैटेरियलिटी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाओ, और लास्ट वन इज दी कंजर्वेटिज्म, कहते हैं कि फ्यूचर लॉसेज को आज का लॉस मान के रिकॉर्ड करो और फ्यूचर अर्निंग को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में आपको रियलाइज हो गई हो, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपके सारे के सारे प्रोविजन दिखाए जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आपको समझ में आया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।